इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया है फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। इस साल से तीन स्टेजेस में सिलेक्शन होगा, बोथ फॉर अग्निवीर एज वेल एज नॉन अग्निवीर स्कीम के लिए। सबसे पहला स्टेज जो है इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसके 365 लोकेशंस और सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, और 8 सेंटर्स ऐसे हैं जो उड़ीसा में हैं, जैसे कि भुवनेश्वर में 2 सेंटर हैं, बालासोर में 1 है, धैन केनाल में है, रौरकेला में है, संबलपुर में है, और गंजम बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो वहां पर 2 सेंटर्स हैं। तो ऐसे करके सेंटर्स हैं, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जहां बच्चे आएंगे और अपना कंप्यूटर पे 1 घंटे के अंदर अपना एग्जाम दे देंगे। ये पहली बार हुआ है इस आर्मी में कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, और आजकल की जनरेशन आपको पता है कि बहुत ही टेक्निकल सेवी है। दे नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, दे नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप्स, पैड्स एंड मोबाइल, तो उनके लिए ये बहुत इजी पड़ता है। मैंने इनके साथ इंटरेक्शन भी किया है और ये सब इस स्कीम से बहुत खुश है कि हमको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ रहा है, और स्पेशली कि ऑनलाइन एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज ऑनलाइन एग्जाम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। उसके बाद स्टेज 2 में रैली होगी, जैसे रैली पहले होती थी, जिसमें कि रैली में रन होगा जो कि एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद PMT होता है जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो PFT में तो रन होगा, 9 फीट डिच होगी और पुलअप्स होते हैं। उसके बाद जो PMT होते हैं उसमें हाइट, वेट और चेस्ट इनकी चेक होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे इन 2 स्टेजेस में, तो थर्ड स्टेज इनका मेडिकल होगा। मेडिकल इज द फाइनल स्टेज, और मेडिकल के बाद जो फाइनल स्टेज होगा, मेडिकल के बाद ये लोग क्या कहते हैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाएंगे अपने मेरिट के हिसाब से। फिर इनको वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे जो है उनमें भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो स्कीम है ये अभी दोनों के लिए है, इसमें कुछ अग्निवीर के लिए भी है और जो कुछ अदर ट्रेड्स हैं, कई ट्रेड्स हैं हमारे, जैसे कि अग्निवीर GD है, टेक्निकल है, 8th है, 10th पास है, इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊंगा, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो इन सबके एग्जाम हो रहे हैं जो कि 17 से लेके 26 तक एग्जाम है ऑल ओवर दी कंट्री। और उड़ीसा में हमने इन सब के लिए एक अवेयरनेस स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर आउटरीच प्रोग्राम में हमने अराउंड ऑलमोस्ट 21,000 से लेकर 22,000 बच्चों को कवर किया है बाय गोइंग टू वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, NCCs, इवन स्पोर्ट्स सेंटर्स। वहां पे हमने इनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं और अपना लेक्चर्स अटेंड किए हैं, और इसके अलावा हमने इनको वीडियोस जो हैं रीजनल लैंग्वेजेस में वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब अवेयरनेस स्प्रेड की है। इवन वी हैव मेट वेरियस DMs एंड और दी सिविल सेक्रेटरेट, राइट फ्रॉम दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू दी DMs एंड DOs, वी हैव स्प्रेड दी अवेयरनेस अलोंग विद दी स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स। सो ये अवेयरनेस काफी हमने फैलाई थी। उसके बाद काफी बच्चों ने बड़े उत्साह दिखाया इस स्कीम में, और काफी थाउजेंड्स में इन बच्चों ने हमारे को ज्वाइन किया है, मतलब फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम। ये एग्जाम अभी 26 तारीख तक है, और इसके बाद क्या कहते हैं सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा जो कि रैली का स्टार्ट होगा, और रैली हमारी जून से स्टार्ट हो रही है उड़ीसा में।